दोस्तों, जब आप अपने लैपटॉप खरीद के लाते हैं और उसके बाद अपने घर में लाके उसे यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले एक डेस्कटॉप यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको सडन ये लगता है कि पता नहीं क्यों लैपटॉप इतना महंगा भी ले लिया और इसका परफॉर्मेंस भी डेस्कटॉप के बराबर नहीं है, या फिर उससे भी ज़्यादा पैसा लेकर उसके जैसा परफॉर्मेंस मिल गया तो मुझे क्या फ़ायदा मिला, आखिर मुझे लॉस ही हो गया, आप ऐसा सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मेन रीज़न जानते हैं आप? मैं बताता हूँ, इसके लिए कई रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन मैं सिर्फ मेन दो रीजंस बताने वाला हूँ जिसके मदद से आपको आइडिया मिल जाएगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है। दोस्तों, ये कंप्यूटर में जो स्लो डाउन वाला प्रोसेस होता है ये एक ही रीज़न की वजह से होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में डिले होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में क्यों डिले होता है? क्योंकि हार्ड डिस्क से आपके रैम तक पहुंचने के बाद ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और जब हार्ड डिस्क का इतना कैपेसिटी नहीं है कि इतना तेज भेज सके तो आपका प्रोग्राम लैग होता है और आपको परफॉर्मेंस कम मिलता है। तो अब रीज़न नंबर वन ये है कि आपका लैपटॉप का जो हार्ड डिस्क है वो नॉर्मली होता है 5400 RPM का, और आपके डेस्कटॉप का जो हार्ड डिस्क है वो होता है 7200 RPM का। मतलब देखिए, जिसका ज़्यादा RPM है हार्ड डिस्क का, उसका स्पीड ज़्यादा होगा, उसका टॉप स्पीड ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लैपटॉप और डेस्कटॉप का स्पीड कंपैरिजन करें तो हमें मिल जाता है 1800 RPM का डिफरेंस, जो कि काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस चेंज दिखाने के काबिल रहता है। दोस्तों, पॉइंट नंबर टू ये है कि आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप का पर्पस जो होता है ये अलग अलग होता है। दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं और अलग अलग फील्ड ऑफ वर्क के लिए बने हुए हैं। लैपटॉप जो होता है ये एनर्जी इफिशियंट होता है, तो कंपनी उसके हार्डवेयर को इस तरह ट्यून करता है ताकि आप ज़्यादा टाइम उसे यूज़ कर सकें, ना कि बहुत ही हाई स्पीड में। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डेस्कटॉप के मामले में इस पावर रिलेटेड टेंशन का कोई भी मतलब नहीं बनता, इसलिए कंपनी भी इस तरह हार्डवेयर को सेट करता है ताकि ये मैक्स टू मैक्स परफॉर्मेंस दे सके, ना कि पावर बचा सके। और इसीलिए आपके लैपटॉप का जो प्रोसेसर होता है वो अपने बैटरी से कम पावर ड्रॉ करता है ताकि आप ज़्यादा टाइम तक उसे यूज़ कर सकें, लेकिन डेस्कटॉप के मामले में बिल्कुल ओपोजिट होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर यूज़ करता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सके। ये था दोस्तों दो रीज़न। अब ये तो प्रॉब्लम्स हो गए, अब सॉल्यूशंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, लैपटॉप के पीछे तो आप बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं, कभी कभी डेस्कटॉप से भी ज़्यादा, लेकिन आपको उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिल पाता है। इसका एक सोल्यूशन है, आप हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, मतलब आप हार्ड डिस्क को हटा दीजिए, उसे डीवीडी ड्राइव की जगह लगा दीजिए और हार्ड डिस्क की जगह एक एसएसडी लगा दीजिए। एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसको पता नहीं है गूगल में सर्च मार लीजिए, और अगर आपको पता नहीं है तो कमेंट कीजिए, मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी बनाऊंगा उसके ऊपर। तो एसएसडीज में मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसीलिए उसको स्पीड पकड़ने में टाइम भी नहीं लगता, और आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब जितने तेज एसएसडी आपके रैम की तरफ डाटा को भेजेगा उतने तेज आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन होगा और आपको उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। सिंपल दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट्स को एग्री करते हैं और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।